सारंगपुर मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विजासन भैरवा माता मंदिर परिसर में बुधवार को मंदिर निर्माण की आधारशिला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य सुरेश सोनी, सांसद रोडमल नागर, विधायक स्वर कोठार, विधायक नरसिंह राजवर्धन सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष देवनारायण नागर, जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, विधायक गौतम पेटवाल, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल सहित अन्य अतिथियों ने सबसे पहले भैरव माता मंदिर पहुंचकर सवा किलो चांदी की ईंट व नवरत्न हीरे के साथ आधारशिला रख कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। साथ ही मंच पर पहुंचकर पांच कन्याओं के पाद पूजन के साथ मंदिर की वेबसाइट को लॉन्च किया। सांसद रोडमल नागर ने स्वागत भाषण देते हुए मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले सभी प्रकल्पों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य माँ विजासन का मंदिर बगैर सरकारी सहयोग के जन सहयोग से बन रहा है। मंदिर परिसर में जो प्रकल्प चलाए जाएंगे वह वास्तव में अद्भुत हैं। सांसद नागर की मांग पर मंदिर परिसर में वैदिक पाठशाला, निर्माण प्रशिक्षण केंद्र व निर्माण भक्त निवास का निर्माण प्रशासन की ओर से कराया जाएगा। उन्होंने मंदिर निर्माण में आम आदमी से अपनी कमाई में से कुछ अंश सहयोग करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान यज्ञ समिति एवं ट्रस्ट समिति द्वारा अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। वहीं जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। कलेक्टर हर्ष दीक्षित, SP अवधेश कुमार गोस्वामी, अनुविभागीय अधिकारी राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार सौरभ वर्मा, नायब तहसीलदार मोहित सिनम, जनपद पंचायत CEO DN पटेल, SDO कृपाल पोरवाल सहित राजस्व विभाग के पटवारी राधेश्याम भिलाला, KL फुलेरिया, सुरेंद्र मेड़ा सहित सुरक्षा व्यवस्था कोलीमा चौहान, थाना पुलिस के अलावा भी बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। जो भक्ति भाव में डूबता है वो अपने इष्ट को इस माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का प्रयास करें तो ही हमारा मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक होगा। इसलिए कहा है रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।